Hello everyone, good evening, namaskar. I'm Purnima from Fertility Dost. And today with us, we have Dr. Prerna Gupta. Hello ma'am, good evening. Good evening. With Dr. Prerna, we are going to talk about unexplained infertility. But first, let us just talk about Dr. Prerna Gupta. Dr. Prerna Gupta is a senior consultant, IVF and reproductive medicine. So, you just need to post your comments and listen to Dr. Prerna very carefully for this. Because unexplained infertility. Shayad Dr. Prerna se zyada koi is word ko aapko explain nahi kar payega. This is the word jo hame darata hai andar se. Jab wo table ke us taraf baithe hue doctor bolte hai ki we just couldn't find anything with your reports. Aur hai kya? Sirf unexplained. So let's discuss this word unexplained with Dr. Prerna. And Dr. Prerna, please explain us ki kyun doctors hame ye bolte hain unexplained. थैंक यू पूर्णिमा, मुझे आज इस प्रोग्राम में आपने इनवाइट करा. थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर. सो फर्स्टली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज कभी भी कोई साइंस कभी भी परफेक्ट नहीं है. साइंस 100% कभी भी नहीं हो पाई है. साइंस में कुछ एरियाज हैं जो अभी भी हमें नहीं पता चलते. तो फर्स्टली हम डिफाइन क्या करते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है, पहले हम उससे शुरू करते हैं. जब भी हम फर्टिलिटी की बात करते हैं फॉर एनी वुमेन, हम चार चीजों को वुमेन की देखते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि उनको फर्टिलिटी इश्यूज है या नहीं है. हम देखते हैं कि उनका यूट्रस नॉर्मल है, यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड नहीं है, यूट्रस में कोई पॉलिप नहीं है, यूट्रस में कोई चीज नहीं है जो फर्टिलिटी को प्रिवेंट कर रही है. ट्यूब्स ओपन है उनकी, उनके एग्स ओवुलेट होते हैं, मतलब उनको पीसीओ या एनोवुलेटरी साइकिल्स नहीं है. उनके अंडे बनते हैं, उनको एग्स बनते हैं और रप्चर करते हैं. तो वुमेन की तरफ से ये तीन पैरामीटर्स पूरे नॉर्मल है. और हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स में कोई स्पेशलाइज टेस्ट नहीं, लेकिन जब हमने सिंपली हस्बैंड के स्पर्म काउंट देखे, हस्बैंड की मोटिलिटी देखी और हस्बैंड की मोर्फोलॉजी, मतलब उनकी कैसे स्पर्म्स हैं, कितना काउंट है उनका, क्या वो तेज भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे, और उनकी मोर्फोलॉजी मतलब उनकी बनावट ठीक है या नहीं, ये तीन चीजें हमने जब ऊपर ऊपर से देखनी है. और वाइफ का हमने एक अल्ट्रासाउंड कर लिया है जिसमें हमने यूट्रस एंड ओवरीज देख रही है, उनके रेगुलर साइकिल्स आते हैं, मतलब उनको हर महीने ओवुलेशन होता है, और उनका एक एचएसजी का टेस्ट, ट्यूब्स का टेस्ट हो चुका है जो नॉर्मल पेटेंट ट्यूब्स दिखा रहा है. तो ये सब चीजें जब नॉर्मल हो जाती हैं और उनको ट्राई करते हुए एक साल हो गया या एक साल से ज्यादा हो गया प्रेगनेंसी के लिए, तब हम इस फर्टिलिटी इशू को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं. कि जो हमने मोटे मोटे पैरामीटर्स देखे उनमें हमें कोई रीजन ऊपर से नहीं देखने को मिला, तब इसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहा जा सकता है. बट ये बहुत जरूरी है ये समझना कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में भी हम कई चीजें नहीं चेक कर रहे हैं. हम लैप्रोस्कोपी करके ये नहीं देख रहे हैं कि उनको माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, हस्बैंड के कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट नहीं करा रहे ये देखने के लिए कि उनके स्पर्म्स में पेनिट्रेटिव कैपेसिटी है या नहीं है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी आर नॉट टेस्टिंग बिफोर सीइंग लेबलिंग अ पेशेंट एज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी. अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी काफी कॉमन है ये, ऑलमोस्ट अगर हमारे पास 10 कपल्स फर्टिलिटी उसमें विजिट में आते हैं तो ऑलमोस्ट दो कपल्स में, ऑलमोस्ट 15-20% कपल्स में अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी, मतलब हमें कोई रीजन ऊपर से देखने में अभी तक नहीं मिला होता. यूजली अनएक्सप्लेन किससे हम रिलेट कर सकते हैं, कैन वी रिलेट इट टू द एज फैक्टर of the couple, yeah. Or is it possible, yeah, that as you just said ki science ne kuch aise areas abhi bhi chhod diye hain, to aap un cases ko kaise solve karte hain, because we never know ki us unexplained mein hai kya. जब भी हम किसी कपल को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं तो हमारे लिए दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर अस टू डिसाइड कि उनका ट्रीटमेंट प्लान कैसे करना है या फिर हमें इन्वेस्टिगेट कैसे करना है. फर्स्टली एज ऑफ द कपल. एज ऑफ द कपल में सिर्फ फीमेल एज नहीं, मेल एज भी इंपॉर्टेंट है. अगर हस्बैंड की एज मोर देन 45 इयर्स ऑफ एज होती है तो उसमें हमें मेल में जो पैरामीटर्स में प्रॉब्लम आना शुरू होना ज्यादा दिख जाती है. और फीमेल में अगर 32 इयर्स ऑफ एज के ऊपर एज होती है तो हमें पता चलता है कि एक टर्म हम यूज करते हैं कि फिकंडिटी, कि उनको हर महीने चांस कितना लगता है कंसीव होने में. तो एक अगर फीमेल 32 इयर्स से अबव होती है तो उनको एक साल नहीं, शायद 1.5 साल भी लग सकता है कंसीव करने में, वो वैसे नॉर्मल हो.
तो फर्स्टली फीमेल की एज क्या है, मेल की एज क्या है, ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी का कारण क्या हो सकता है। सेकेंडली ड्यूरेशन, अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है एक क्लिनिशियन के लिए डिसाइड करने के लिए कि ये कितना सिवियर हो सकता है, वो होता है कितने सालों से आप ट्राई कर रहे हैं। जो भी हमारी एविडेंस होता है, जो भी हमारी मेडिसिन का एविडेंस है, वो अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी को कैटेगराइज करती है लेस देन 3 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन और मोर देन 3 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन। जिन पेशेंट्स को अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी है, मतलब कोई कारण नहीं मिला है और लेस देन 3 इयर्स ड्यूरेशन है, उन कपल्स में नेचुरल कंसेप्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, उन कपल्स में इजियर ट्रीटमेंट्स माइट हेल्प। बट जिन कपल्स के मोर देन 5 to 6 इयर्स हो चुके होते हैं प्रेगनेंसी ट्राई करते हुए, उन कपल्स में वी से कि मोस्ट प्रोबेबली नेचर ने 60-65 टाइम्स ट्राई कर लिया है और फिर कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो देर हैज टू बी सम मेजर ब्लॉक, देर हैज टू बी सम माइक्रोस्कोपिक ब्लॉक जो हम नहीं कर पा रहे, एंड मे बी गोइंग फॉर एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स माइट बी इम्पॉर्टेंट। सो एज ऑफ द कपल एंड हाउ लॉन्ग हैव दे बीन ट्राइंग, ये दो चीजें हमें डिफाइन करती हैं कैसे अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी को हम कैसे करें, मतलब कैसे हाउ डू बी टैकल इट। सेकेंडली अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी जब हम ये करते हैं टेबुलेट, तो हम पेशेंट को, मतलब ये जो टर्म है ये काफी पुरानी है, आप ये मानिए ये 20 साल पुराने टर्म है, इसमें लो ओवेरियन रिजर्व के पेशेंट्स, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को भी डाला जाता था। आजकल बिकॉज हम एंटीबुलेटरी हार्मोन टेस्टिंग करा लेते हैं, तो कई पेशेंट जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, उनका रियली में वो पोअर ओवेरियन रिजर्व है, उनका ओवेरियन एजिंग हो रहा है, या फिर वो माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट है जो डिटेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए उनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोला जा रहा है, बट वो शायद पोअर ओवेरियन रिजर्व के पेशेंट है, उनका एएमएच लो है, या फिर उनका एंडोमेट्रियोसिस है और वो डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से भी उनको अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी में हैंडल कर दिया जाता है। और कई बार क्या होता है, मेल पार्टनर में मॉर्फोलॉजी का इश्यू होता है कि हस्बैंड के जो स्पर्म पैरामीटर्स नॉर्मल पैथोलॉजी लैब कर रही है, वो नॉर्मल पैथोलॉजी लैब्स आपके काउंट करती रहती है, मोटिलिटी करती रहती है, बट प्रॉपरली मॉर्फोलॉजी कभी नहीं करती, प्रॉपरली आपकी स्टेनिंग नहीं करती स्लाइड्स की, तो आप में मॉर्फोलॉजी करते टेराटोजूस्पर्मिया हो, लेकिन आपने किसी आईवीएफ लैब से कभी अपना सैंपल एनालिसिस नहीं करवाया हो और ये मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस कभी स्पर्म्स का हुआ ही नहीं और हमारे पास मोर्फोलॉजिकल इश्यूज है, हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट कैटेगराइज हो सकता रहता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, बट रियली में स्पर्म पैरामीटर्स में प्रॉब्लम हो, तो ये वाली चीजें हिडन चीजें रह जाती हैं जो अनएक्सप्लेन नहीं है, जो डायग्नोज की जा सकती है बट हम डायग्नोज नहीं कर पाते। सो डॉक्टर प्रेरणा, अभी जैसे आपने मेंशन किया सीमन एनालिसिस में, यू जस्ट मेंशन द मॉर्फोलॉजिकल थिंग एंड यू मेंशन कि उन्होंने ये टेस्ट किसी आईवीएफ क्लिनिक से नहीं करवाया, तो व्हाट यू सजेस्ट कि जो सीमन एनालिसिस है वो आईवीएफ या इनफर्टिलिटी क्लिनिक से करवाना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए बेसिकली मॉर्फोलॉजी स्टेनिंग जो होती है उसको, जैसे मॉर्फोलॉजी को देखना वो बहुत मतलब आप समझिए एक अलग पढ़ाई होती है जो एंड्रोलॉजी टेक्नीशियंस को सिखाई जाती है, वो नॉर्मल जो पैथोलॉजी के टेक्नीशियंस हैं उनको टीच ही नहीं करी जाती, वो एक WHO के 2010 के जो पैरामीटर्स हैं सीमेन के पैरामीटर्स उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो आप देखिएगा मोस्टली लैब्स में, मोस्टली आप अगर जो नॉर्मल पैथोलॉजी लैब्स का अगर आप देखेंगे एनालिसिस की रिपोर्ट्स, तो उसमें 80% नॉर्मल पैथोलॉजी या 85% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी स्पर्म्स की लिखी हुई होती है, बट जबकि रियलिटी में, जबकि हमें पता है रियलिटी में नॉट मोर देन 6 to 10% स्पर्म्स आर नॉर्मल, 70 to 80% स्पर्म्स हमारी एबनॉर्मल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल होते हैं, तो अगर किसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 80-85% स्पर्म्स आपके नॉर्मल हैं, तो इट मींस उन्होंने मॉर्फोलॉजी आपकी प्रॉपरली WHO के क्राइटेरिया से करी ही नहीं है। जबकि एक आईवीएफ सेंटर में अगर वो मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं कमेंट, तो वो डेफिनेटली आपकी मॉर्फोलॉजी प्रॉपरली देखेंगे, अगर वो मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं और आपका अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन आ रहा है, तो हो सकता है कि हस्बैंड के टेराटोजूस्पर्मिया की वजह से आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी डायग्नोज किया जा रहा है, जबकि वहां पर मेल पार्टनर का इश्यू हो सकता है। हो सकता है, राइट। तो आई थिंक ये सुनने में अगर देखें तो हमें ऐसे लगता है कि बहुत छोटी सी चीज है, बिकॉज हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वी यूजली हैव फाइल विद अस ऑल फीमेल रिपोर्ट्स एंड ऑल मेल रिपोर्ट्स, बट ये एक छोटी सी शायद कभी हमने सोची ही नहीं। सो हियर द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स टू टेक होम, फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट फोकस ऑन गुड लैब फॉर योर रिपोर्ट्स, एंड एज डॉक्टर प्रेरणा जस्ट एक्सप्लेन्ड अबाउट द सीमन एनालिसिस एंड इम्पॉर्टेंटली मॉर्फोलॉजी, प्लीज गो फॉर दैट। अगर आप अपने किसी लैब में टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क अबाउट दीज थिंग्स। हमें लगता है अनएक्सप्लेन से हम बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बट अभी हमें पता चला कि अनएक्सप्लेन है क्यों, क्या रीजन है उसका, एंड अगर रीजन है तो ऑब्वियसली वी कैन ट्रीट इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो
Thank you, ma'am. Thank you so much for this wonderful session. I think I completed all. Yes, I think so. But अगर कुछ आपका मिस हो गया है या किसी ने मिस कर दिया या आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेटिव सेशन आपके फ्रेंड, कलीग, नेबर, फैमिली, फ्रेंड, कुछ भी जिनको किसी को कुछ ऐसे इश्यूज हैं वो सुने, तो दिस सेशन इज सेव्ड ऑन दिस लिंक. आप सिर्फ उनको फर्टिलिटी दोस्त के पेज का लिंक दीजिए सो दैट दे कैन लिसन टू दिस सेशन. और हमारे फर्टिलिटी दोस्त के वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं. हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. वी हैव वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. और ये वाले सेशन जो हमारे फेसबुक पे हैं वही सेशन हमारे यूट्यूब पे भी आपको सेव मिलेंगे. वी डोंट वॉन्ट यू टू मिस सच इंफॉर्मेटिव सेशन. एंड थैंक यू डॉक्टर प्रेरणा, थैंक यू सो मच. थैंक यू, मुझे थैंक्स अ तो लॉट फॉर खुद इनवाइटिंग मी. पहले लग रहा था अनएक्सप्लेन्ड है, पता नहीं हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे. बट थैंक यू थैंक्स सो मच. थैंक यू मैम, हैव अ अ गुड लॉट फॉर डे. इनवाइटिंग. थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.